नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपने अपनी वेबसाइट में विधानसभा का चुनाव फॉर्म लॉन्च किया। मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्रत्याशियों को आमंत्रित करने के लिए यह फॉर्म जारी किया गया है। उन्होंने ईमानदारी और इच्छुक लोगों से आगे आने की अपील की। साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां लूट की राजनीति करती हैं। प्रदेश में बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जनता जूझ रही है। परेशान किसान आत्महत्या कर रहा है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि आप 14 अप्रैल से प्रदेश में किसान बचाओ बदलाव लाओ यात्रा आरंभ कर रही है, जिसमें सांसद संजय सिंह शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले अगले चुनाव के लिए प्रत्याशियों के आवेदन आमंत्रित कर रही है। आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश आम जनता के सामने अपील करना चाहती है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस और भाजपा ने भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज पूरे देश में और प्रदेश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हालात और भी ज़्यादा खराब हैं, जहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिजली सबसे महंगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। हम अपील करते हैं कि इस प्रदेश के सभी ईमानदार लोग, कर्मठ लोग और जो लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, वो आगे आए, वो इस फॉर्म को भरे और हम जरूर चाहेंगे कि वो आगे बढ़कर हमारे साथ इस व्यवस्था को बदलेंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।